क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एग्जाम का डेट तो आ गया है लेकिन उसमें कितने विषय होंगे, क्या होगा सब कुछ ये आगे बताया जाएगा। अभी हम लोगों ने एसटीईटी और डीएलए ये जो दो अलग परीक्षाएं होती थी शिक्षा विभाग की, उसको हम लोगों ने टोटल कैलेंडर में कर दिया है, लेकिन उसमें कितने विषय होंगे अभी निर्णय नहीं हुआ है, ये आगे अभी तक इनका निर्णय नहीं हुआ है। चिंता नहीं करना है, बस खाली आने के लिए तैयार रहो, फिर देखते हैं कौन माई के लाल पराजित कर देगा हमें। खाली आने के लिए तैयार रहो यार, आने के लिए। अगर 13 तारीख को स्टे नहीं लगाना तो मुंह नहीं दिखाएंगे। 13 को स्टे लगाना होगा इस सरकार को, 13 को स्टे लगाना होगा। एसटीईटी 23 ले, लेकिन एसटीईटी 19 प्रभावित नहीं होना चाहिए। सभी साथियों को पटना आना ही होगा। देखिए एक साथी हैं दर्द भरा, कैसे उन्होंने अपना अनुरोध किया है आने के लिए, सुनिए। तो टीचर हक के सम्मान के लड़ाई पावे के बा, तो टीचर सम्मान हक के लड़ाई पावे के बा, तो बाटे स्टेट के आंदोलन अब की आवे के बा, तो बाटे तेरा के आंदोलन अब की आवे के बा, स्टेट बीटेट सीटेट अब जान कर भाई, आपस में सहूलियत करके करी जा चढ़ाई, स्टेट बीटेट सीटेट अब जान कर भाई, आपस में सहूलियत करके करी जा चढ़ाई, कि अब की सरकार के पानी गिरावे के बा, तो अब की सरकार के पानी गिरावे के बा, तो बाटे स्टेट के आंदोलन अब की आवे के बा, बाटे स्टेट के आंदोलन अब की आवे के बा, तो बाटे तेरा के आंदोलन अब की आवे के बा। सातवां चरण के नोटिफिकेशन लावे के बा, सातवां चरण के नोटिफिकेशन लावे के बा, तो बाटे टीचर आंदोलन अब की आवे के बा, तो बाटे तेरा के आंदोलन अब की आवे के बा, अपना साथे जान सैलाब लावे के बा, अपना साथे ही जान सैलाब लावे के बा, तो बाटे तेरा के आंदोलन अब की आवे के बा, तो बाटे टीचर आंदोलन अब की आवे के बा, तो बाटे तेरा के आंदोलन अब की आवे के बा। जितना जोर लगा के भाई लोग इस बार पटना की धरती पर एकदम आंदोलन करना है और बेजोड़ आंदोलन करना है, और सरकार को ये बताने का कोशिश करना है कि आप अपना मन का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जनता का शासन चलता है, और ये सरकार जब तक हम लोग एकत्रित नहीं होंगे किसी का सुनने वाला नहीं है, इसलिए जितना हो सके प्रचार प्रसार कीजिए, और जितना हो सके सबको बोलिए और साथ आइए, और पटना की धरती पर इस बार बेजोड़ आंदोलन करेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। एक और भाई का देखिएगा, पहुंचाने का प्रयास करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि सरकार का आप लोग रवैया देख ही रहे हैं, और हमारे जितने भी अभ्यर्थी साथी हैं सभी लोगों तक ये बात पहुंचना चाहिए कि मनोज सिंह के द्वारा ये एक दर्द गीत प्रस्तुत किया गया है, इसको जरूर आप लोग सुने। आइए मैं शुरू करता हूँ। बहुत इंतजार अब तक करते हैं
करते हैं हम सातवां चरण के अस में, सातवां चरण के अस में बेकार हुए हम। बहुत इंतजार अब तक करते हैं हम, बहुत इंतजार अब तक करते हैं हम। इसके बाद उम्र बढ़ रही है, समय निकल रहा है, और समय के रहते हुए यदि नौकरी नहीं मिलती है तो हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। उस पर दो लाइन है कि बढ़ती उम्र है समाज मारता, बढ़ती उम्र है समाज मारता, सभी साथियों से हमारा विनम्र निवेदन होगा कि 13 तारीख को आगाज हो गया है, आंदोलन का अंतिम आंदोलन है, इसलिए आपसे निवेदन होगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके और आंदोलन को सफल बनाइए। 13 दिसंबर को नहीं भूल जाना है, 13 दिसंबर को नहीं भूल जाना है, सब खिलाफी करती है तो हम लोगों को इस पर भी धमदोना लिखते हैं कि झूठी सरकार है झूठा तानबाना, झूठी सरकार है झूठा तानबाना, देना होगा विज्ञापन ना होगा बहाना, देना होगा विज्ञापन ना हो बहाना। सभी साथियों को आना होगा, सीटेट बीटेट साथियों का, सीटेट बीटेट साथियों का करता नमन, बहुत इंतजार अब तक करते हैं हम, बहुत इंतजार अब तक करते हैं हम।